नमस्ते विनोद जी। नमस्ते। सर मैं आपसे एक जानकारी लेना चाहता हूँ कि मैं कैसे ऑनलाइन के ऊपर सक्सेस प्राप्त कर सकता हूँ। देखो, ऑनलाइन के ऊपर आपने अगर सक्सेस प्राप्त करनी है या हमारे दर्शकों ने सक्सेस प्राप्त करनी है तो उसके लिए तो वही सिद्धांत लगेंगे जो ऑफलाइन में सक्सेस प्राप्त करने के लिए लगते हैं। मीन्स सबसे जो पहली बात है, आपको कोई काम को आना चाहिए या कोई आप प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप ऑफलाइन पे अगर कोई सेल करते हो तो उसके लिए आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी होनी चाहिए जो आप अपने कस्टमर को देते हो। यानी वो सिद्धांत तो बेसिक हो गए, होनेस्टी, डेडिकेशन, आपके काम की लगन। आप यार दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते हो, अपने काम में लगे रहते हो तो वो आपको सक्सेस की तरफ ले जा सकता है। जब हम बात करते हैं ऑनलाइन में तो कुछ टेक्निकल चीजें हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले ऑनलाइन में सक्सेस होने के लिए आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए। ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट है, और इसमें आप मान लो सेल कर रहे हो, एक प्रोडक्ट है, वन प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट को तो जितने आपके अगर आपने सक्सेस होना है तो इट मींस के यह एक प्रोडक्ट है आपका, वो बिकना चाहिए। ठीक है, मान लो कि आपका सिर्फ एक दिन में 10 यूनिट बेचते हो इस प्रोडक्ट की, और मान लो कि एक इसकी कीमत 100 रुपया है तो आपकी इनकम हो गई 1000 रुपया। मान लो एक दिन में आपके 1000 बिकने लग जाए तो 100 रुपए का एक है तो आपकी इनकम हो गई 1,00,000। तो ये सक्सेस का एक मेजरमेंट है कि आपको सफलता मिली है तो आपके 10 यूनिट से ज्यादा 100 यूनिट बिकने लग गए। इस तरफ हमने पहुंचना है। कोई व्यक्ति इस तरफ एक दिन में नहीं पहुंच सकता। अगर इस तरफ आपने पहुंचना है तो इसके लिए आपको चाहिए बैक लिंक। मान लो आपकी साइट कैसे खुलती है, गूगल में खुलती है, ये गूगल है, इस गूगल में सर्च होती है आपकी साइट। अब इस साइट में जितनी ज्यादा क्वालिटी होगी उतनी साइट प्रमोट होगी, तो उसके लिए आपको चाहिए बैक लिंक। तो ये बैक लिंक्स कैसे बनेंगे? यदि आप अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचते हो तो दूसरे जिनकी वेबसाइट है वो आपकी वेबसाइट को का रेफरेंस देंगे। मींस रेफरेंस, इसका मतलब है आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंक्रीज करना है। क्वालिटी, आप क्वालिटी कैसे इंक्रीज कर सकते हो? उसके लिए आप नंबर वन पे स्पोर्ट्स सेंटर बना सकते हो। इसमें मान लो प्रोडक्ट में कोई खराबी आती है तो जो कस्टमर है वो आपकी साइट में जाएंगे, उसको इंफॉर्मेशन मिल जाए। जैसे मान लो आज सुबह ही हमारा कैमरा खराब हो गया तो उसमें क्या डिफॉल्ट है, मैं उसको जानना चाहता हूँ। यदि मैं सीधा ही वेबसाइट में जाके वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो मैं दूसरों को रेफरेंस करूंगा कि सैमसंग का जो है अपना कैमरा खरीद लो। इस तरह से इसकी गुडविल इंक्रीज होती जाएगी। नंबर दो पे है दूसरा क्वालिटी इंक्रीज, न्यू इन्वेंशन। देखो, न्यू इन्वेंशन का मतलब है अगर आप एक प्रोडक्ट के पीछे लग गए हो, आपका कंसंट्रेशन एक प्रोडक्ट में है तो उसमें नई नई इन्वेंशन आनी चाहिए। अब सैमसंग के हम कैमरों की बात करते हैं, जब से सैमसंग के कैमरे बने हैं तो नई नई उसमें क्वालिटी आगे आ रही है। ऐसे आपने अपने प्रोडक्ट को इनोवेट करना है, उसमें नई चीजें लेके आनी है। कोई डिस्काउंट हो सकता है, कोई गिफ्ट हो सकता है जिससे आपके कस्टमर आए। कस्टमर क्यों आए, पहले ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। आपकी जो रेपुटेशन है, आपकी जो ऑनलाइन पे गुडविल है, गुडविल, उसके बेस पे आपको कस्टमर आएंगे।
तो जितनी आप गुडविल इंक्रीज करोगे उसके लिए कुछ टेक्निकल चीजें आपको आनी चाहिए। अगर आप मान लो कि कंटेंट लिख रहे हो स्पोर्ट्स के, तो आपकी अच्छी टाइप हो, अच्छी उसको रिस्पॉन्स दो। मान लो एक कस्टमर ने क्वारी डाली है कि ये मेरी खराबी है, आप उसी टाइम उसको रिस्पॉन्स दो, वीडियो टॉक करो, गूगल प्लस पे उनसे कन्वर्सेशन करो, उनके व्यूज जानो, उनकी फीडबैक जानो, आपके कस्टमर की क्या फीडबैक है, कस्टमर्स की क्या फीडबैक आई बैक, उसको अपने नॉलेज में रखो। तो देखिए एक दिन ऐसा आएगा जब ये 10 यूनिट नहीं होंगे, 1000 यूनिट बन जाएंगे। ये तो मैं छोटी सी बात कहता हूँ, जिनकी गुडविल ज्यादा है, जो कस्टमर को देखते हैं, उनका मेन जो लक्ष्य होता है कस्टमर है, तो उनकी जो सेल है एक दिन में 1 लाख यूनिट भी हो सकती है। सिर्फ किस तरीके से हो सकती है, आप अपने कस्टमर को पहचानिए, उसकी नीड को पहचानिए, अगर उसको कोई प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व कीजिए, अगर उसका कोई प्रश्न है उसका जवाब दीजिए। इसके अलावा न्यू इन्वेंशन की तरफ आइए, अगर दूसरे आपके कंपटीटर अच्छी क्वालिटी लेके आते हैं, कुछ नई चीज लेके आते हैं, तो वो आपके प्रोडक्ट में होनी चाहिए। कुछ अच्छे गिफ्ट्स दीजिए, कोई कॉन्टेस्ट रखिए। आजकल कस्टमर जो चाहता है एंटरटेनमेंट भी चाहता है। आपकी वेबसाइट ऐसी हो जो कस्टमर को फन दे, एंटरटेनमेंट दे, तो आपके कस्टमर आपके तरफ आकर्षित होंगे। सोशल मीडिया है हमारे पास, मीडिया दुनिया आपके बारे में क्या कह रही है उसको आप जानिए, तो आपकी तरफ जाएंगे। तो इस प्रकार से आप ऑनलाइन पे सक्सेस प्राप्त कर सकते हो। और आपको भी यही कहता हूं कि अगर आपने सक्सेस प्राप्त करनी है तो दिल लगा के अपने को सीखने वाला बनाना चाहिए। जब तक आप खुद नहीं सीखोगे तो दूसरों को कैसे सिखाओगे? और जिस दिन आप कुछ सीख जाओगे तो उसको शेयर कीजिए। मान लो आप इस प्रोडक्ट में एक नई क्वालिटी सीख गए हो अच्छे तरीके से, इस प्रोडक्ट को जो आपका प्रोडक्ट है, तो उसको शेयर कीजिए। हाँ भाई, हम इस प्रोडक्ट को इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, इसका ये भी यूटिलाइजेशन है। जैसे कैमरा है, मान लो आपने कैमरा बनाया तो उसमें से एक फीचर आप लिखना भूल गए कि इसको रात में भी चलाया जा सकता है, तो ऑप्शन है तो उसको शेयर कीजिए, तो कस्टमर आपकी तरफ अपने आप ही अट्रैक्ट होंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।